अभी हम लोग किस में शिफ्ट हो गए, नए संसद में। अभी आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई, तो उतना बड़का बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा, फिर बंद कर देगा सब दरार। यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था, एग्जैक्ट यही वाला। तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना, चाहे गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, 1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनके तैयार हुआ था। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उस समय बनाया था। एडविन लुटियन और बेकर्ड नाम कितना जबरदस्त रखा था, लुटियंस। तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना, चाहे गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, जितने मंत्रियों के आवास हैं, ये सब है, सब लुटियंस नामक विद्वान ने, आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। नाम क्या था उसका, लुटियंस, लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है, जहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने मंत्री वगैरह हैं, उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, लुटियंस दिल्ली। हालांकि उस जगह का नाम है सेंट्रल विस्टा, जगह का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा, लेकिन बनाने वाला कौन था, लुटियंस। तो पूरा एरिया ले लिया गया सेंट्रल विस्टा, और उसका निर्माण किसने करा है, लुटियंस और बेकर्ड ने। तो बेकर्ड उतना बड़ा नहीं था, मेन क्या कौन था, लुटियंस, लुटियंस था। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी नया संसद भवन बन रहा है, 100 साल पुराना हो जाएगा संसद 2027 में, तो भाई पुराना हो गया, उतना जगह नहीं है। तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। अरे भैया क्या बन गया हो, इस आकार में बन रहा है। 3 गेट हो जाएंगे यहाँ पर, कौन कौन गेट, 3 गेट, तीनों का नाम याद रहना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कितने गेट हो जाएंगे, 3, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। देखो क्या, कौन द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब पुराना संसद अब क्या हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, पुराने संसद भवन को एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, म्यूजियम, क्योंकि पुराने संसद भवन में बीच में एक हॉल था जिसका नाम था सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान लिखा गया था, और जब दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती थी तो सेंट्रल हॉल में होती थी। किसमें होती थी, सेंट्रल। तो इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया, इसलिए इसे हम हटा तो नहीं ना सकते हैं, तो इसे किसमें बदल दिया गया, म्यूजियम में। अब बाकी सारा किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद में। किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद भवन में। समझ में आ गया, लोकसभा हरे रंग का है, मोर के पंख की तरह, और राज्यसभा लाल रंग का है। समझ में आ गया, कमल के फूल का थीम है उसमें, तो कमल हल्का पिंक रेड में नहीं होता है, ऐसे हल्का। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी हम लोग किसमें शिफ्ट हो गए, नए संसद, नया संसद हो गया, जिसमें अभी आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई। तो होता है कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में बनने के बाद कहीं कहीं से वाटर लीकेज हो जाता है, बाद में उसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, उतना बड़का बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा, फिर बंद कर देगा सब दरार। पानी टपकना कोई बहुत भीषण समस्या नहीं है, समझे। तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है नया वाले संसद। पुराने वाले संसद के डिजाइन कर कौन थे, लुटियन, लुटियन और बेकर्ड। कौन थे, बेकर्ड। बता सकते हैं इस नए वाले संसद का वास्तुकार, विमल पटेल जी, विमल पटेल, विमल शाह जो है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, विमल शाह दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नए संसद के डिजाइन कर विमल पटेल, समझ में। यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था, एग्जैक्ट यही वाला। तो जो सोमालिया का डिजाइन है ना संसद भवन का, उस हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। बिल्डिंग ही तो है, बैठने के लिए चाहिए, क्योंकि 2026 में ना हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं 545, इसे बढ़ा दी जाएगी। समझा गया, तो 2026 में जब बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पे। और लोकसभा में क्या है ना कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, मीडिया के भी बैठने का एक जगह चाहिए होता है, तो मीडिया भी बैठती है यहाँ पे, वहां अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, आपके एरिया का सांसद मतलब घर ढुकुआ सांसद तो नहीं है, घर ढुकुआ सांसद समझते हैं, खाली घर में बैठल रहता है, संसद में कोई सवाल नहीं पूछता है। अरे संसद में तुम अपने बारे में पूछो जो तुम्हारे यहाँ की समस्या है यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया। अब जैसे आपके यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपके यहाँ का सांसद खड़ा होकर कहेगा ना कि हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस वजह से आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने के लिए, हमारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, नहीं तो स्पष्ट कहा जाए कि ना खुल तू, नहीं समझ आ गया। और संसद में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका उस विभाग का सचिव को लिखित देना पड़ेगा आंसर उसका, कि क्या कारण है यूनिवर्सिटी न खोले जाने की, ब्रांचें खोल दे, ब्रांच खोल दो भैया, एक तो यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हो। तो संसद भवन में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, बशर्ते आपका सांसद घर ढुकुआ सांसद नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिले टाइप का हो, सवाल पूछे तब सही लगता है यहाँ पे, घर ढुकुआ सांसद से कुछ नहीं होता।